नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा के भादरा पार्क की दिखा रहे हैं। जल भराव की बहुत बड़ी स्थिति देखने को मिल रही है। शहर का सबसे सस्ता स्विमिंग पूल आज के टाइम में सिरसा का भादरा पार्क बन चुका है। पिछले दिनों जब बरसात हुई थी तो यहाँ भी जल भराव हुआ था, उसके बाद शहर भर से पानी की निकासी कर दी गई। बरसात भी कई बार हुई लेकिन भादरा पार्क में किसी भी प्रकार की कोई भी निकासी नहीं की गई, जिसके चलते ये हालात हैं कि भादरा पार्क में जल भराव देखने को मिल रहा है। एक तरह से ये पूरा पार्क समुंदर में तब्दील हो चुका है और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही, क्योंकि पार्क जब पहले हुड्डा विभाग के अंडर तब यहाँ तमाम व्यवस्थाएँ थी, हुड्डा विभाग पूरी देखरेख भी करता था, लेकिन पार्क जब से नगर परिषद के अंडर आया है तब से ये हालात बने हुए हैं। और आप देखेंगे कि पिछले दिनों जब बरसात हुई तो पूरे शहर में जल भराव हुआ और पूरे शहर से पानी की निकासी हो गई, लेकिन भादरा पार्क में पानी जमा होता गया, किसी भी प्रकार की कोई निकासी नहीं हुई। और भादरा पार्क की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चे आपको स्विमिंग करते हुए नज़र आएंगे और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भादरा पार्क शहर का पास पार्क है। यहाँ लोग विभिन्न तरह की गतिविधियाँ करते थे लेकिन कहीं ना कहीं पानी का जल भराव होने के चलते गतिविधियाँ रुक गई। क्या नाम है भाजी आपका? मेरा नाम चुन्नी लाल जी। क्या कहना चाहेंगे भादरा पार्क में पानी हो? देखो जी, ऐसा है, इसमें पानी भरा हुआ है एक हफ्ते से, इसकी कोई देख रेख नहीं है जी। गंदा हो रहा है, लोग पार्क में आते हैं घूमने फिरने, इसकी कोई देख रेख नहीं है जी। गंदगी हो रही है, इसकी सफाई होनी चाहिए, मेन बात ये पानी निकलना चाहिए। तो वजह क्यों मानते, क्यों इसकी निकासी नहीं हो पा रही? देख रेख नहीं हो रही ना इसकी, संभाल नहीं है, मेन बात ये। पहले हुड्डा के अंदर था, अब ये नगर परिषद के अंदर? हाँ, अब एक कमेटी के अंदर आया हुआ है, पहले हुड्डा के अंदर था। इसमें ग्रिल भी लगी हुई थी, पेड़ पौधों की भी देख रेख थी, सारी देख रेख थी, सफाई की भी थी, अब इसकी देख रेख नहीं है। हाँ जी, बच्चे भी स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, बच्चे आते हैं वो तो नहाएंगे इसमें। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ये जी, इसकी देख रेख करें, सफाई हो इसकी, पानी निकाला जाए, गंदगी होती है, मच्छर पैदा होते हैं, इसकी सफाई होनी चाहिए। भाई साहब, यही है भाई, इसकी सफाई होनी चाहिए, कितनी गंदगी हो रही है, चारों पास से बीमारी बने। हाँ, यही मांग है, इससे पानी काटा जाए बस। निकासी के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए जिसके अंडर में लगता है, ये प्रशासन को संभालना चाहिए, बस यही मांग है जी, इसकी सफाई हो, ये कितनी गंदगी हो रही है देखो।